कुछ दिनों पहले पार्षद वीरेंद्र वालिया ने 1 अगस्त को एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। उस प्रेस वार्ता में मेरे घर के नियमन से संबंधित पेपर कागजात सभी पत्रकारों को बांटे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में माना था कि ये हमें अपने सूत्रों से ज्ञात मिले हैं, जबकि आरटीए में हमें नहीं मिले। और जब मैंने वो प्रतिलिपियों को देखा तो मुझे आभास हुआ कि उन्होंने काफ़ी प्रतिलिपियों में छेड़छाड़ करी, हेराफेरी कर दी उन्होंने। और मैंने ईडी में भी एप्लीकेशन दी है कि इसकी जांच की जाए। साथ ही मैंने यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को निवेदन किया है कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए कि उन्होंने पेपर बिना मेरी अनुमति के, ईडी के अनुमति के, उन्होंने वहाँ से चोरी कर लिए और उसके बाद इसमें हेरफाड़ छेड़छाड़ कर ली। इसी के साथ मैंने निवेदन किया हमारे एसपी साहब से कि मेरे पे जो उन्होंने झूठा मामला बनाया गया है तो उस पर निष्पक्ष जाँच की जाए। साथ ही ये मामला वैसे तो ईडी का ही है, क्योंकि मैं ईडी का लीज होल्डर हूँ, तो कोई भी कार्रवाई ईडी कर सकता है, डीसी कोर्ट जा सकता है। वहाँ जाके अगर मान लीजिए कि मैं फौरी तौर पे पूरी तरह से नाले पे ही बैठा हूँ तो भी वो ईडी ही कार्रवाई कर सकता है। आप किसी को शिकायत है वो ईडी को करिए, ईडी डीसी कोर्ट जाके कर सकता है। तो एसपी साहब ने कहा कि इस मामले में कोई भी शिकायत कर सकता है, तो इसी को मैंने देखते हुए 4 और मतलब टोटल 5 शिकायतें उनको दी हैं मुकदमा दर्ज करने के लिए, जो इसके अवैध रूप से पुलिया पे कब्जा करने के लिए, अवैध रूप से नालों पे कब्जा करने के लिए, इसी तरह से इन्होंने जो आवासीय बिल्डिंग को तोड़कर व्यावसायिक बना दी और व्यावसायिक बनाकर उनको रजिस्ट्री में व्यावसायिक शो करके बेच दिया धोखाधड़ी करने, वो मैंने उसकी शिकायत की है। इन्होंने कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियाँ काट दी, 20-20 फीट के रोड दे दिए जबकि रोड 30 फीट का होना चाहिए, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, नाले पर कब्जा करके पुलिया बना दी, प्लॉट बना दिए। तो उनकी सारी मैंने टोटल शिकायत इनकी दी है, टोटल 5 मैंने FIR दर्ज करने का निवेदन किया है। और माननीय SP साहब ने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि आपकी शिकायत पे बिल्कुल कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा, और इसी अश्योरेंस के साथ मुझे कहा कि आप निश्चिंत रहो और उस पर ही बताया कि जो आपकी जाँच चल रही है वो भी निष्पक्ष होगी, यही कहने में आया था। झूठ बोल के देखिए, इसमें ये पक्की बात है कि ईडी का कोई ना कोई कर्मचारी जरूर मिला हुआ है ना। इसके बिना ईडीए की फाइल बिना परमिशन के कोई ले जा नहीं सकता है। और पार्षद वीरेंद्र वालिया और आपके पुनीत वालिया, इन दोनों का ही काम है कि उन्होंने किसी को पैसे देके, रिश्वत देके वो फाइल निकाल के 2 दिन तक अपने घर पे, जैसे मुझे सूत्रों से मालूम पड़ा, घर पे रखी और उसमें उनको जो जो लगता है वो उन्होंने चेंज किए और उसी आधार पर उन्होंने प्रेस वार्ता करी, उसी आधार पर मुझ पर केस किया। वो तो सारी चीज़ आने वाले टाइम में साफ़ हो जाएगी।